चैनल। आज का ब्लॉग मैं ईशु के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग इस ब्लॉग को बहुत प्यार देना। तो यहाँ पे पूरा घर अभी पेंटिंग हो रहा है क्योंकि शादी है घर में, तो पेंटिंग के कारण मेसी हो जाता है घर, काफी मेसी हो गया था। तो भैया अभी साफ कर रहे हैं, शाम हो गई है और दीदी भी का भी काम खत्म होने वाला है, तो मुझे भी जाके दीदी को भी खाना देना होगा। वो अब जाएंगी, ज्यादा रात नहीं करेंगी। और दीदी भी अब बहुत शाम हो चुकी थी तो वो आ गई है, उनका काम खत्म हो गया है तो वो बोले थे अब घर जाएंगी तो मुझे उनको खाना देना होगा। सबसे पहले दूध भी बॉईल करने दे दी थी दीदी, मैं उसके साथ फिर से खेल रही हूँ। उसे मिरर में खुद को देख के खेलना बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे उसी के तरीके से खिलाती भी हूँ तो बहुत इंजॉय करती है, है ना? आज घर में बहुत सारे पपाया थे, बहुत वो भी बहुत अच्छे अच्छे, देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मिल्क शेक बना लिया जाए, तो मैं वही यहाँ पे सबके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ, पपाया मिल्क शेक सॉरी, जो कि बहुत टेस्टी लगी थी पीने में। और उसे मैंने फ्रिजर में भी रखा था और जब वो फ्रिज जम गया था तो बिल्कुल आइसक्रीम की जैसी भी लग रही थी खाने में। तो मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ और अब काफ़ी गर्मी भी बढ़ गई है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही है। मेरे लिए सबसे ख़राब मौसम है गर्मी, मुझे ठंड का मौसम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी बहुत ठंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है, थोड़ा सा ग्रेवी मतलब ये हो गया था, टाइट था, बहुत लिक्विड जैसा नहीं था। ऊपर से मैंने इसे चिल्ड करने के लिए बर्फ़ डाल दिया है और इनको मैंने जाके दे दिया है। फ्रेश एयर ले रही हूँ इसीलिए ज़्यादा फ्रेश भी फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और खा रही हूँ एप्पल, हूँ हर रोज एक एप्पल, इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं पाती हूँ। आप लोग सारे वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। यूट्यूब में मेरे 1 साल होने वाले हैं और ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके तो मैं उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है गाइस, में तो मैं चैनल को बंद कर दूंगी। आप लोगों के से बात करते करते मुझे भूख भी लग रही थी तो मैं अभी यहाँ खा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो मैं जाती हूँ छत पे, जाती हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, काफ़ी अंधेरा था छत पे तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मॉर्निंग, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।